आज मैं आपको, प्लीज़ मेरा सब्सक्राइबर बटन पर क्लिक कर दीजिए और व्यूज़ में आकर गुड व्यूज़ दे दीजिए, गुड ऑप्शन क्लिक कर दीजिए और मेरा बटन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। आज मैं आकर आपको आमले का पाउडर किस तरह से बनाते हैं आज बोल रही हूँ। तो आमले का जो भी है ना दोस्तों, आप आमले को सुखा कर धोकर धो दीजिए पहले पानी में। धोने के बाद उसको छोटे छोटे पीस से इस तरह से कट कर लीजिए इस तरह से। उसके बाद इसको, इसके ऊपर हल्दी छिड़क दीजिए। हल्दी, हल्दी किस लिए दोस्तों, अगर आप इसमें जो पानी होता है ना, अब इसकी वजह से जर्म से फंगस आ जाएगा, इसलिए आप हल्दी छिड़क दीजिए। हल्दी छिड़क देने के बाद इस तरह तकरीबन आप 7 से 15 दिन तक इसे धूप में सुखा दीजिए। सुखाने के बाद ये सूख जाएगा। सूखने के बाद आप मिक्सर में डाल के इसका पाउडर भी बना सकते हैं, या फिर इस तरह से ये सूख सूख कर ना बहुत ही सूख सूख कर थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। आप उसके बाद वो एक बॉक्स में डालकर, आप जो प्लास्टिक बॉक्स में डालकर रख कर भी आप हमेशा आफ्टर लंच और डिनर के बाद एक या दो पीसेस खा सकते हैं, क्योंकि हाजिमा के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है और बॉलर के लिए भी बहुत अच्छा है। जिसका भी हेयर फॉल प्रॉब्लम है ना, तो वो ये तकरीबन लाइक इतने इतने से लेकर एक 10 या 10 पीसेस तक खा सकते हैं डेली, खाने पर हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा। आपको मेरा चैनल पसंद पड़ा तो लाइक दबा दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। धन्यवाद।